हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एग्जाम पोर्ट। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखिए, हम जानते हैं, हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो जितनी प्लैनेट्स हैं उनमें सिर्फ जो हमारी अर्थ है, जो सिर्फ हमारा अर्थ प्लैनेट है, वही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। सर्वाइवल इज पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ। Survival is possible only on Earth. ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जो अर्थ है वहां पर हमें एयर, वॉटर, एटमोस्फियर, लैंड, जो हमें लाइफ के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी अवेलेबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। तो आज के इस चैप्टर में हम अर्थ के ही बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम मेजर जो डोमेन्स है, परिमंडल है, चाहे हम उसको लिथोस्फीयर की बात करें, चाहे हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ें, हम एटमॉस्फेयर पढ़ें, या हम बायोस्फीयर करें, इन सब चारों डोमेन्स की, परिमंडल की हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं या ओशियंस हैं, उनका जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखिये, यहाँ आपको ग्लोब में एक बड़ा कलरफुल सुंदर सा नजर आ रहा है। हमने देखा है कि जो हमारे वर्ल्ड का मैप है, ये जो ग्लोब की अगर हम बात करें, ग्लोब तो एक राउंड सरफेस है, उसको हम आराम से शो नहीं कर सकते, स्टडी हम नहीं कर सकते प्रॉपरली, तो हम मैप के थ्रू स्टडी करते हैं। मैप के बारे में हम अपने पिछले चैप्टर में बड़े अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो ये देखिए, आपको नजर आ रहा है हमारा मैप, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ओशंस नजर आ रहे हैं, देखने में बड़ा सुंदर है। बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है हमें कि ये जो दुनिया इतनी खूबसूरत सी हमें नजर आ रही है, कलरफुल नजर आ रही है, क्या है, कैसे है, तो इन सब चीजों के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। जो हमने अभी कहा, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। जो मेन कंपोनेंट्स की हम बात करें तो है सबसे पहले हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हम हिंदी में कहते हैं भूमंडल। देखिए, हिंदी टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर लिख रही हूँ, आप साथ साथ में आप देखते रहिएगा, भूमंडल। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल, जिसे हम कहते हैं जल मंडल, जहां पर वाटर बॉडीज आएंगी सारी। थर्ड हम बात करें एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, और चौथी हम बात करें कि बेसिकली हम तीन पार्ट है, लेकिन जो चौथा है जो हम जैव मंडल जिसे कहते हैं बायोस्फीयर, यानी कि जहां पर सारा जीवन हमें मिलता है, चाहे वो जंतु हैं, पौधे हैं, ह्यूमन बींग है, तो बायोस्फीयर को भी हम एक डोमेन में इंक्लूड करते हैं। तो चौथा हो गया हमारा बायोस्फीयर। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल की। देखिए, भूमंडल क्या है, हम जानते हैं हमारी अर्थ जो है, हमने पढ़ा है क्रस्ट, जो अपर मोस्ट लेयर है हमारी, वो क्या है, क्रस्ट। कैसी है, हम सभी जानते हैं कैसा वो है, वो सॉलिड है। हमें मिट्टी ऊपर से दिखाई देती है, कैसी ही रॉक मिलती है हमें, सॉलिड मिलती है। हमने देखा है जो चट्टाने हैं वो टूट टूट कर उनकी वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, उससे वो रेत में कन्वर्ट होती है। तो लिथोस्फीयर क्या है, देखिए, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, इसे हम क्रस्ट भी कहते हैं, साथ ही हम इसे भू प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहीं पर आपको भूमंडल नाम मिलेगा, कहीं पर भू प्रॉपर्टी मिलेगा, कहीं पर क्रस्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्रस्ट भी इसे हम कह देते हैं। तो ये सब नाम क्या है, हमारे जो लिथोस्फीयर है उसके नाम है। अब जो लिथोस्फीयर है इसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है लार्ज लैंड मॉस यानी कि जो जमीन है हमारी, जो धरातल है, धरती है, और दूसरा ह्यूज वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज, भाई वाटर को तो हम जल मंडल में इंक्लूड करना चाहिए, हम यहाँ क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, कारण ये है कि जो वाटर बॉडीज होगी हमारी, वो अल्टीमेटली जो नीचे हम उसकी देखेंगे वो कहीं ना कहीं तो सरफेस होगी ना, वो तो वो सरफेस क्या होगी, बॉटम जिसे हम कहते हैं, जो तल है वो क्या होगा, वो तो जमीन ही होगा। तो जो वो जमीन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लैंड मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल को हम लैंड मास यानी कि जो कॉन्टिनेंट जिन्हें हम कह देते हैं, यानी कि महाद्वीप, यहीं पर हम लिख देते हैं महाद्वीप जिन्हें हम कह देते हैं, और ओशन बेसिन यानी कि महासागरीय बेसिन जिसे हम कह देते हैं। तो ये हिंदी टर्मिनोलॉजी में साथ के साथ लिखती है। तो जो लिथोस्फीयर है उसको हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे, लार्ज लैंड मासेज और ह्यूज वाटर बॉडीज। अब देखिए, अगर हम बात करें, ये 71% आएगा और 29% आ जाएगा। देखिए, जो हम लैंड मास की बात करें और वाटर बॉडीज की बात करें, हम जानते हैं हमारी धरती को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर क्या है, पानी बहुत ज्यादा है। तो लगभग 71% जो है वो वाटर है और बाकी का जो 29% है वो क्या है, लैंड एरिया है। अब जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, हम जानते हैं सभी आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई से मतलब, हालांकि हम जो ओशियंस हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, हम इनको अलग अलग हम क्या करते हैं,
बाउंड्रीज हम दे देते हैं, लेकिन क्या है कि वो बाउंड्रीज हम अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, उनके बीच में कोई लाइन नहीं खींची हुई है, वो आपस में जुड़ी हुई है। जैसे देखिए ये हमने देखा, ये सारा हमें जो ब्लू कलर का हमें दिखाई दे रहा है, ये सारा जो है क्या है, वाटर है, इनमें कहीं पर भी कोई पार्टीशन हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन यही हम देखें, देखिए लैंड मासेस की बात करें, ये देखिए लैंड मास हम देख रहे हैं, ये वाला स्पेस आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये क्या है, ये कलर हम दूसरा यूज कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है, ये स्पेस है यहाँ पर, ये स्पेस हमें नजर आ रहा है, ये देखिए ये स्पेस हमें नजर आ रहा है, इधर ये बड़ा सारा स्पेस हमें बड़े आराम से नजर आ रहा है। यानी कि जो लैंड मासेज है, जो लैंड मासेज हैं, इनके बीच में तो क्या है, स्पेस है, लेकिन जो वाटर बॉडीज हैं उनके बीच में स्पेस नहीं है। तो अगर हम बात करें कि जो लैंड मास शुरुआत से ही क्या ऐसे ही थे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। अगर हम अपनी हिस्ट्री को स्टडी करें, आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जितने भी लैंड मासेज आपको बड़े कलरफुल से नजर आ रहे हैं, ये कभी एक ही लैंड मास हुआ करते थे। जो सारे ये प्लेट्स हैं, ये सब एक हुआ करती थी। इसे हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहती है, यानी कि महासागरीय विचलन, आई थिंक विचलन होगा शायद, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, विचलन सिद्धांत। ये क्या है कि जो प्लेट्स हैं ये सब पहले एक साथ जुड़ी हुई थी, उसके बाद जो अर्थ के नीचे जो मूवमेंट हुई, जो हम मैग्मा लावा की बात करते हैं, उनमें क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से जो प्लेट्स हैं, जो फिजिकल फैक्टर्स थे, उनकी वजह से धीरे 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 एक दूसरे से दूर होती चली गई, और इस तरीके से जो सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे सामने हैं। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको हम आगे के चैप्टर में बहुत डिटेल से हम स्टडी करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जितने भी ये लैंड एरियाज हैं उनके बीच में तो डिफरेंस है, वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच नहीं है, लेकिन जो वाटर बॉडीज हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले कि जो हमारे हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं, देखिए आपने कहीं देखा होगा, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर आपने बोर्ड लगे हुए देखे होंगे, जो साइन बोर्ड होते हैं, वहां पर आपने लिखा होगा, देखा होगा, लिखा हुआ समुद्र तल से ऊंचाई, क्या मतलब है इसका, बता सकते हैं? भाई हम छोटे होते थे, हम ट्रेवल करते थे, हमें बड़े क्यूरियोसिटी होती थी, हमें बड़ा ऐसा लगता था कि समुद्र तल से ऊंचाई का क्या मतलब है, भी समुद्र के अंदर जाता है कि गहराई हम नापते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब ये होता है, आप एक एग्जांपल लेकर के चलिए, देखिए कि सपोज हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, देखिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जो पैंडा है, जो बॉटम है, हम देखते हैं वो बड़ा डिजाइनिंग होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, लेकिन उसके ऊपर की तरफ हम देखें तो क्या होगा, पानी का लेवल क्या होगा, एक जैसा होगा। वही हम इन सारे वाटर बॉडीज की बात करें तो नीचे से बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है, बिल्कुल समतल तो नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, तो कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर उचाव है, तो क्या ये समतल नहीं है? लेकिन जो ऊपर वाला पानी का लेयर है, सरफेस है, वो क्या है, एक जगह है, एक जैसी है। देखिए यहां हमने लिखा भी है, द लेवल ऑफ सी वॉटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, हर जगह कहीं भी हम चले जाएं, वहां पर जो पानी का सरफेस है वो इक्वल रहेगा। भाई हम नॉर्मली देखते हैं, हम घर के अंदर अलग अलग तरह के बर्तन हम यूज करते हैं, कोई गहरे होते हैं, कोई पिछले होते हैं, लेकिन क्या होगा, उसमें पानी की जो ऊपर वाली लेयर है वो बिल्कुल एक साथ रहेगी, एक जैसी रहेगी। तो उसी लेवल को हम, उसे हम क्या मानते हैं, जीरो, जीरो मीटर हम मान लेते हैं। तो वहीं से क्या करते हैं हम, जो लैंड एरियाज हैं उनकी ऊंचाई को हम मेजर करते हैं। इसीलिए लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि समुद्र का जो पानी है, वाटर लेवल जो है, वहां से हम हाइट को मेजर करते हैं या डेप्थ को मेजर करते हैं। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। एलिवेशन यानी कि जो ऊंचाई है, यानी कि समुद्र तल से, वाटर बॉडी से, जो भी पानी का तह सतह है, वहां से हम किसी भी लेवल की ऊंचाई और गहराई को हम मेजर करते हैं। अब आप जानते हैं जो समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, हमारा है माउंट एवरेस्ट। और अगर हम गहराई की डीपेस्ट पॉइंट की बात करें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी हमने, वो क्या है हमारा, मैरिना ट्रेंच, माउंट एवरेस्ट एंड मैरिना ट्रेंच। तो माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये कितना है, बता सकते हैं आप मुझे, 8,850 मीटर, कहीं कहीं बुक्स में आपको 48 नजर आएगा यहाँ पर, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है वो है 50 मीटर। इसी तरीके से मैरिना ट्रेंच की हम बात करें तो ये है 1,1034 मीटर गहरा है इतना। आप इमेजिन कर लीजिए, समुद्र जल से 8,850 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, और गहराई की हम बात करें मैरिना ट्रेंच की तो ये कहाँ है, 1,134 मीटर, 11,034 मीटर गहराई में है ये।
तो यही हम साथ में थोड़ा सी जीके के क्वेश्चन जो है हम साथ साथ करते रहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमने कि जो ब्रिटेन के एडमंड हिलेरी थे, ब्रिटेन के जो एडमंड हिलेरी हैं वो सबसे पहले माउंटेन पीक पर पहुंचने वाले, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले आदमी कौन थे? एडमंड हिलेरी। और भारत के पहले आदमी कौन थे? तेंजिंग नॉर्गे शेरपा। हम शेरपा से याद रखे तो नॉर्गे और शेरपा मिक्स हो गया, तो तेंजिंग नॉर्गे शेरपा पहले भारतीय थे। इसी तरीके से महिलाओं की हम बात करें तो विश्व की पहली महिला कौन थी? जिनको ताबे जो जापान की थी, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला थी। और वही बचेंद्री पाल की हम बात करें तो वो भारतीय पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली। भाई माउंट एवरेस्ट की तो हम बात कर रहे हैं तो मैरिना ट्रेंच जेल की गहराई में पहुंचने वाले की हम क्यों नहीं बात करते? तो ये थे गहराई में पहुंचने वाले जेम्स कैमरॉन, जो नेशनल जियोग्राफिक एक्सपेडिशन हुआ था वहां जेम्स कैमरॉन को भेजा गया था, जिन्होंने ये जो मेराइना ट्रेंच की जो डेप्थ है इसको आइडेंटिफाई किया, कैलकुलेट किया। तो चलिए ये हमारा जनरल इंट्रो पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिए हम बात करते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर की, लिथोस्फीयर में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों की, महाद्वीप। तो देखिए हम सभी जानते हैं हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है मेनली कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये देखिए ये हमें नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ा जो हमें नजर आ रहा है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। कितने हो गए भाई हमारे? ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 7 कॉन्टिनेंट हम पढ़ते हैं तो सातों के सातों महाद्वीप जो है हमारे सामने, देखिए यहीं पर हमें नजर आ रहा है। सबसे बड़ा हमें नजर आ रहा है कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर पर बड़ा कौन सा नजर आ रहा है हमें? अफ्रीका। तीसरे नंबर पे कौन सा नजर आ रहा है? नॉर्थ अमेरिका। तो यहीं से जो चीजें हैं हम सारी पढ़ सकते हैं। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिए, जैसा कि पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको कहा था, मैप को अपने दिमाग में आप ज्यादा से ज्यादा बिठाने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है और ये संभव भी नहीं है कि आप एक बार में मैप खोल के सामने बैठेंगे और आपको पूरा का पूरा मैप याद हो जाएगा। जितनी बार भी आप खोलते हैं मैप को पढ़ते हैं, एक से दो देशों के बारे में आप याद करने की कोशिश कीजिए। दो दो तीन तीन करके करेंगे तो आप जो मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए हैं, ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे बेसिकली ये आ गए यहाँ पर। अब देखिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ये देखिए ये हमारी जो है क्या क्या जा रही है, ये हमारी इक्वेटर जा रही है 0 डिग्री। हम सभी जानते हैं 0 डिग्री इक्वेटर जा रही है हमारी। जो 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर हम जानते हैं कौन सा है हमारा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे हम जानते हैं क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है, देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये हमें नजर आ रहा है साउथ अमेरिका, अफ्रीका का जो सदर्न पार्ट हमें नजर आ रहा है, या ऑस्ट्रेलिया। मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर में हमें लैंड मार्क जो है वो बहुत कम नजर आ रहा है। वहीं अगर हम नॉर्दर्न की बात करें, नॉर्थ अमेरिका देख लीजिए, अफ्रीका देख लीजिए नॉर्दर्न पार्ट, यूरोप की हम बात करें, एशिया की हम बात करें, मतलब मोस्टली जो लैंड मार्क है वो हमें कहाँ नजर आ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम लैंड हेमिस्फीयर भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि जो लैंड एरिया है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, लैंड हेमिस्फीयर भी हम इसे कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि जो अधिकांश लैंड एरिया है वो मंडल है वो कहाँ पर हमें नजर आ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए हमारे एक एक कॉन्टिनेंट को हम लेकर के चलते हैं, फिर हम मैप पे तो उसको स्टडी करेंगे। पहले यहाँ इन सब चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर दे ताकि हमें दिक्कत ना हो। ये देखिए सबसे पहले हम एशिया की बात करते हैं, तो ये क्या है हमारा? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा जिसे हम कहते हैं। 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया, जब सबसे बड़ा है तो पूरे लैंड एरिया का कितना कवर करता है? 1/3 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है लैंड मास का कितना कवर करता है? 1/3 कवर करता है। लाइज इन द एस्टर्न हेमिस्फीयर, भैया देख लीजिए आप साथ में, ये हमने पढ़ा था ये एस्टर्न है ये वेस्टर्न है, तो कहाँ पड़ रहा है? ये एस्टर्न पार्ट है, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है, तो कहाँ पड़ रहा है हमारा? एस्टर्न एरिया में पड़ रहा है। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, देख लेते हैं भाई, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या हो रही है हमारी? से होकर, सॉरी ये इक्वेटर है, यहाँ आप देखेंगे 23.5 डिग्री पर जो चली जाएगी, यहाँ से हमारी देखिए 30 और ये 15 दिया हुआ है, तो इसके बीच में से कहीं से निकलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से होकर गुजरती है। चलिए तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हो गया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कॉन्टिनेंट यूरोप की, स्मॉलर देन एशिया, देख लेते हैं भाई। ये देखिए यूरोप है हमारा, एशिया से तो काफी छोटा है।
लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, यानी कि ये देख लेते हैं एशिया के वेस्ट में, ये इस डायरेक्शन है, ये एशिया की वेस्ट डायरेक्शन है, तो क्या हो गई, एशिया के वेस्ट में है। साथ ही हम देखेंगे यहाँ पर जो है एशिया और यूरोप को अलग करने वाले कौन से माउंटेन्स होते हैं, यूराल माउंटेन्स कहा जाता है यहाँ पर, हमारे यूराल माउंटेन्स। इसी तरीके से यूरोप और एशिया को कंबाइंडली क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, इसलिए हम क्या कह देते हैं इसे, यूरेशिया भी कह देते हैं। देखिए स्मॉलर देन एशिया, लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये भी हमने पढ़ लिया। आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, भाई हमने ध्यान है आपको सबको, हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए हमने हमारी अर्थ को पढ़ा था इस तरीके से, ये हमारी अर्थ थी, हमने देखा था ये जो यहाँ से बिल्कुल सेंटर से हमारा क्या जा रहा है इक्वेटर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल, और ये क्या गया हमारा आर्कटिक सर्कल। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये देख लीजिए, ये हमारा इक्वेटर जा रहा है 0 डिग्री, ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से लगभग 15 to 30 के बीच में हम ले लेते हैं 23 एंड हाफ हम जानते हैं, तो यहाँ से लगभग जो है हमारी मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाएगी, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 66 एंड हाफ पर, ये हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा आर्कटिक सर्कल, और इसी तरीके से यहाँ जो आएगा हमारा ये क्या आ जाएगा एंटार्क्टिक सर्कल, इस तरीके से हमारा आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो यूरोप के बीच में से क्या होकर गुजर रहा है, ये यहाँ से जाएगा, देखिए थोड़ा सा यूरोप से होकर क्या चला जाएगा हमारा आर्कटिक सर्कल, यानी कि यूरोप में क्या आ रहा है हमारा आर्कटिक सर्कल कवर कर रहा है। आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 sides, देख लेते हैं भाई ये यूरोप है हमारा, ये हमें तीनों तरफ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमें तीनों जगह क्या दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा आर्कटिक ओशन आएगा, ये हमारा हमें नजर आ रहा है अटलांटिक ओशन है, ये कौन सा है भाई, ये हमारा है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी, जो हम यूरोप और इसके बीच में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आ जाएगा मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन। बाकी आप जो एटलस है आप साथ लेकर के देखेंगे तो उसमें सारी टर्मिनोलॉजी आपको प्रॉपरली जो लोकेशन है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका के बीच में, तो तीनों तरफ से ये वाटर बॉडी और ये वाटर बॉडी, तो तीनों तरफ से क्या हो गया ये पानी से घिरा हुआ है। चलिए ये भी हमने पढ़ लिया, यूराल माउंटेन्स हमने पढ़ लिया, एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, यूरेशिया हमने पढ़ लिया कि यूरोप प्लस एशिया, और यूरोप और एशिया को कंबाइंडली हम क्या कह देते हैं यूरेशिया हम कह देते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर देखें जो एल्प्स माउंटेन है वो भी यहाँ पाए जाते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए, लेकिन अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो हम थोड़ी थोड़ी चीजों को जैसे जैसे जो जो चीज याद आती जाती है वैसे वैसे आपको बताते रहते हैं। चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, देखिए हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये देखिए एशिया के बाद, सॉरी एशिया के बाद हमें नजर आ रहा है अफ्रीका, दूसरे नंबर पर हमें सबसे बड़ा नजर आ रहा है जो हम देखेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात जो है ये हमारे जानते हैं 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर, ये हम देख रहे हैं क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे से हम देख रहे हैं क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये ही अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां से तीनों रेखाएं जो है वो जा रही हैं, तीनों रेखाएं चल रही हैं। ये देखिए इक्वेटर रन्स थ्रू द मिडल, ये हमने पढ़ लिया। लार्ज पार्ट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि बहुत जो इक्वेटर के कारण जो है वो डिविजन जो हो जाता है, तो जो ज्यादातर हिस्सा इसका वो नॉर्दर्न पार्ट में चला जाता है। ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू, सिर्फ एकमात्र यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों जो रेखाएं हैं वो पहुंचती हैं। इसी के साथ हम देखें लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो सहारा डेजर्ट है वो भी यहीं पर है। नाइल रिवर की हम बात करें जो मिश्र से होकर गुजरती है वो भी यहीं पर है। देखिए सहारा डेजर्ट की हम बात करें, यहाँ कहीं सहारा डेजर्ट होता है, नील नदी यहाँ से होकर गुजरती है। इसी तरीके से जो हम बात कर रहे हैं अलग अलग चीजों की, जैसे जैसे हमें नजर आती रहेंगी वैसे वैसे हम इनको स्टडी करते रहेंगे। चलिए ये हुआ हमारा अफ्रीका। इसके बाद हम बात करते हैं देखिए नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा, लाइज इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, 3 oceans अराउंड दिस इस्थमस ऑफ पनामा, इसको भी देख लेते हैं। ये रहा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, नॉर्थ कह रहे हैं तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी भूभाग में है, हेमिस्फीयर में है। यहाँ हम देख रहे हैं देखिए तीनों तरफ से 1, 2, 3 तीनों साइड से क्या है ये वाटर बॉडी से ही कवर है, वही हमें नजर आ रहा है। देखिए पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इधर ये चीज हो गई। यहाँ एक चीज है देखिए ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं अलास्का, जो अलास्का है जब हम इसको ग्लोब को गोल कर दें गोलाई में अगर हम महसूस करें तो अलास्का कहाँ जाकर मिलेगा एशिया से, तो पहले अलास्का एशिया का ही पार्ट हुआ करता था लेकिन इसको अंदर कर दिया गया। इधर हम देख रहे हैं ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड वाला हिस्सा आ गया अलग से।
तो यहाँ देख रहे हैं कि तीनों तरफ से क्या है, ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। यहीं पर हम बात करते हैं, देखिए ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए हमने कहा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये हमें पता लग गया, लाइजिंग नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में है और वेस्ट में है, ये भी हमें पता लग गया। जो थ्री ओशन जो है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इस्थमस ऑफ पनामा यानी कि पनामा जो जल संधि है वो क्या करती है, स्थल संधि सॉरी क्या करती है, ये इसको जोड़ने का काम करती है। देखिए यहाँ पर आपके पास दो टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगी, जल संधि और स्थल संधि, जल संधि और स्थल संधि। तो जल संधि क्या होती है, जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगी, वाटर को जोड़ने वाली, वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला जो जो भी बॉडी है, जो भी संधि, संधि मतलब क्या होता है ज्वाइंट, तो जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है वो क्या कहलाएगी, जल संधि। और जो दो लैंड एरियाज को ज्वाइन करेगी उसे हम क्या कह देंगे, स्थल संधि। तो ये देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्या है, लैंड एरियाज है, तो यहाँ पे स्थल संधि हमें दिखाई देगी, तो ये क्या है, पनामा, पनामा जल संधि है। यहाँ पर जो है जो एक्सपोर्ट कुछ जगह जो काम होता है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोनों देशों को जोड़ रहा है, जो आवागमन है दोनों देशों के बीच में इसी रास्ते के थ्रू हो रहा है। देखिए यहीं पर हम देखें, जल संधि पानी का संग्रह भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ देखिए अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए। ये देखिए हम जानते हैं यहाँ पर क्या, बंगाल की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल, ये हमें पता है इंडिया के मैप की हम बात करें ये क्या है, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ हम नीचे देखते हैं, नीचे की तरफ तो इंडियन ओशियन है, यहाँ क्या है, अरब सागर। तो ये जो बीच वाला हिस्सा, ये जो वाटर बॉडीज दोनों आपस में जुड़ रही है, ये वाला ये जो हिस्सा है यानी कि क्या है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, तो वाटर बॉडीज को जोड़ेगा यानी कि यहाँ पर क्या है, जल संधि। तो इन्होंने यही लेकर ये पूछा है, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए, तो ये है पाक संधि, पाक जल संधि। भाई पाक से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं होता है, पाक जल संधि है ये भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। अब हम बात करें साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका कहाँ होगा भाई, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। टू ओशन सराउंडेड द एंडीज, लॉन्गेस्ट माउंटेन एंड द लार्जेस्ट रिवर अमेजन, ये भी हम देख लेते हैं। चलिए ये रहा हमारा साउथ अमेरिका, सदर्न हेमिस्फीयर में है, जो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट जो है माउंटेन रेंज जो हम बात कर रहे हैं, एंडीज जो है यहाँ पर मिलती है, जो रॉकीज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलती है। जैसे जैसे याद आती है वैसे वैसे आपको बताते जा रही है, साउथ अमेरिका में क्या है, एंडीज, और नॉर्थ में क्या है, रॉकीज। इसी तरीके से जो अमेजन रिवर है ये हम यहाँ पढ़ते हैं, ये ब्राजील वाला एरिया आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो अमेजन रिवर है या एंडीज पर्वतमाला है इसको हम देख रहे हैं, दो वाटर बॉडीज हमने कहा, ये देखिए पैसिफिक ओशन चल रहा है, इधर एटलांटिक ओशन चल रहा है, तो दोनों तरफ क्या है, वाटर बॉडी से ये घिरा हुआ है। ये सारे फीचर्स हमने पढ़ लिए, लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, टू ओशन सराउंडेड, दोनों पढ़ लिए हमने, द एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज और लार्जेस्ट रिवर अमेजन जो है दोनों हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ऑस्ट्रेलिया की बात हम करें तो जो है ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, हम जानते हैं सदर्न हेमिस्फीयर का जो है अंटार्कटिका तो बिल्कुल सदर्न पॉइंट पे हो ही गया, इसके साथ साथ जो है ऑस्ट्रेलिया जो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसे ही हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, द्वीप महाद्वीपीय महाद्वीप भी हम इसे कह देते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी हम इसे कह देते हैं। देखिए हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सदर्न हेमिस्फीयर में, ये यहाँ पर जो है ये इनकी माउंटेन रेंज होती है, यहाँ पर कौन सी है ये इसे भी हम बता देते हैं, ये होती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये यहाँ पर ये जो रेंज आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है इनका ग्रेट सैंडी डेजर्ट की हम बात करते हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इस तरीके से हम बात करें ग्रेट सैंडी डेजर्ट है ये हमारा, ये वाला है ठीक है। ये एंडीज आ गई, ये यहाँ पर लिख देते हैं अमेजन, जब आप रिवाइज करेंगे आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ये अलास्का हमने बात की, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता लगता रहेगा। चलिए तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर हमने पढ़ लिया, द्वीपीय महाद्वीपीय से कहा जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। देखिए लार्जेस्ट हमने पढ़ा कौन सा है, एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा पढ़ा, अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट है ये ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अंटार्कटिका की, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्या है, देखिए कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो हम अंटार्कटिक सर्कल की हम बात करते हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसी को हम क्या कह देते हैं,
एंटार्क्टिका ये द्वीप भी है और इसी को हम ओशन के अंदर भी पढ़ेंगे, सॉरी अटलांटिक को पढ़ेंगे, एंटार्क्टिका हमने पढ़ लिया। अब आ गया हमारा साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर, ये देख लेते हैं अभी। हाँ ये देखिए एंटार्क्टिका है हमारा, ये साउथ पोल हमें नजर आ रहा है बिल्कुल लगभग इसके सेंटर में होता है। इसके बाद हम देखें कवर्ड विथ थिक आइस शीट, ये पोलर एरिया है, हम जानते हैं क्या है पोलर एरिया है, तो क्या होगा यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होगी। अब बर्फ होगी तो यानी कि लाइफ तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, परमानेंट रहना जो ह्यूमन बींग के लिए वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं, रिसर्च सेंटर जो पूरी दुनिया के हैं, अलग अलग रिसर्च सेंटर्स यहाँ पर बने हुए। जो भारतीय रिसर्च सेंटर्स हैं वो है मैत्री जो सबसे पहला बनाया गया था, फिर दक्षिण गंगोत्री बनाया गया, अब जो है भारती नाम से भी जो रिसर्च सेंटर है वो बनाया जा चुका है। तो यहाँ पर रिसर्च सेंटर है जहाँ पर कभी कभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो जाते हैं, रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च करते हैं जाकर के, लेकिन बहुत लंबे समय तक वहां पर रहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए वहां पर कंडीशंस नहीं है। चलिए ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट, यानी कि जो कॉन्टिनेंट हमने पढ़े, जो सातवां भी पढ़े, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें इसके बारे में ली। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर्स की। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। देखिए वाटर मीन्स वाटर, चाहे वो वेपर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो आइस की फॉर्म में हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, भूमिगत जल हो, किसी भी तरीके का हो, वाटर तो वाटर है। तो जितनी भी वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं हमारी अर्थ पर उन सबको हम हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड करेंगे। लेकिन हम जानते हैं ओशंस हैं, रिवर्स हैं, ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल जिसे हम कहते हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर आएंगे। तो यहाँ एक पाई चार्ट के थ्रू हम देख रहे हैं, देखिए 97 लगभग परसेंट जो है वो ओशंस हैं हमारे, महासागर हैं। और हम बात करें आइस शीट यानी कि ग्लेशियर्स की और ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल की, तो लगभग 2.77% जो है ये ग्राउंड वाटर में आ गया, और इसी में से जो 0.03% जो है वो फ्रेश वाटर है, यानी कि हमारे पीने लायक जो पानी है वो सिर्फ 0.03% ही है। लेकिन अब जो ये 0.03% है, जिस हिसाब से हम इसको यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जिस स्पीड से, तो ये भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, कम पड़ता जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि बूंद बूंद जो है पानी की वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मजेदार बात है कि हम इसे कहते हैं ब्लू प्लैनेट है, यानी कि हमने अभी पीछे पढ़ा कितना पानी है, 71% जो है वाटर मास है, वाटर बॉडीज है, लेकिन फिर भी हमारे पीने लायक पानी नहीं है। चलिए इन्हीं सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं हमारे, अब क्या बात कर रहे हैं हम हाइड्रोस्फीयर यानी कि ओशियंस की। देखिए हमने लिखा, यहाँ हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए ये हमने बात की, देखिए ऑल इट्स फॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर मतलब जो जल मंडल है, पानी के जितने भी रूप में वो अवेलेबल है वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। ओशंस की हम बात करें कि ऑलवेज मूविंग, जो महासागर है हमेशा मूव करते हैं, कि उसके अंदर जो पानी है वो हमेशा चलता रहता है। हम जानते हैं ज्वारीय तरंगी यानी कि टाइड्स होती हैं, ओशन करंट्स होते हैं, या वेव्स की हम बात करें कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इन सब ये सब क्यों होती है, क्या कारण है, कहाँ से कहाँ तक होती है, इन सबके बारे में डिटेल्स में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बेसिक ये है कि हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है हमारे, जो मून है, इन सबका क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, इसके कारण जो है वो क्या है खिंचाव पड़ता है जिसकी वजह से लहरें बनती हैं। बहुत डिटेल में और क्या फैक्टर्स हैं इनको हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। चलिए तो हमने पढ़ा मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर जो तीन कारणों से होता है, वेव्स बनती है, टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा बनता है, और ओशन करंट भी बनते हैं। चलिए अब हम ओशियंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए पैसिफिक ओशियन है हमारा, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, अरे भाई एक रह गया अटलांटिक, सॉरी एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका ओशियन, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ओशियन, देखिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा पैसिफिक ओशियन, ये आपको नजर आ रहा है इधर ये वाला पार्ट, ये सारा क्या है हमारा पैसिफिक ओशियन, ये हमें नजर आ रहा है ये हमारा क्या है पैसिफिक सॉरी अटलांटिक ओशियन, इधर ये हमारा इंडियन ओशियन नजर आ गया, ये हमारा पैसिफिक जो हमने इधर काउंट कर लिया तो इसको हम एक ही बार देखेंगे, ये आ गया हमारा एंटार्क्टिका और, ठीक है। तो चलिए ये पैसिफिक यानी कि प्रशांत जिसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर, और इंडियन ओशन जिसे हम कह देते हैं हिंद महासागर, एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, हमारे इंडिया के नाम पर रखा गया। चलिए अब एक एक हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें पैसिफिक यानी कि प्रशांत की, चलिए आपके लिए यहाँ भी हिंदी में लिख देते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या है, देखिए लार्जेस्ट ओशियन है भाई, दोनों तरफ हमें नजर आ रहा है, अपने आप से दिख रहा है, जब हम इसको गोल घुमा देंगे तो पूरा हमें वाटर ही वाटर बॉडी दिखाई देगी, वो क्या होगी प्रशांत महासागर, यानी कि लार्जेस्ट ओशियन है।
स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी जो अर्थ है इसका लगभग 1/3 जो हिस्सा है वो क्या कवर कर रहा है, ये जो पैसिफिक ओशन है ये कवर कर रहा है। मैरिना ट्रेंच, जो मैरिना ट्रेंच हम देखते हैं लगभग इस जगह है यहाँ पर मैरिना ट्रेंच, ये भी कहाँ मिलता है, पैसिफिक ओशन में ही मिलता है, जो हमने अभी बात की थी। जो डीपेस्ट पॉइंट है हमारा, जो डीपेस्ट पॉइंट है 11,034 मीटर डाउन, जो हमने डेप्थ नोट की थी, किसने डिस्कवर की थी, जेम्स कैमरियन ने जिन्होंने डिस्कवर किया था इसको, ये हम पीछे की स्लाइड्स में हम पढ़ चुके हैं। तो मैरिना ट्रेंच जो है हमारा डीपेस्ट पॉइंट है जो वो कहाँ है, मैरिना के अंदर। सर्कुलर शेप है ये हमें देखना होगा, देखिए शेप जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार शेप्स पूछ ली जाती हैं कि सर्कुलर शेप का कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। देखिए इस तरीके से अगर हम देखेंगे इसको गोल जब हम पीछे से मिला देंगे तो लगभग सर्कुलर शेप हमें नजर आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अटलांटिक ओशियन की। अटलांटिक ओशियन ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये क्या है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर पर जो है आता है हमारा लार्जेस्ट ओशियन है एस शेप में भी। ये देखिए ये आपको नजर आ रही है, ये शेप इस तरह की लगभग एस शेप ही है, यहाँ पर ही शेप पूछी ली जाती है। पैसिफिक कौन सा है, सर्कुलर है, ये कौन सा है, एस शेप्ड है, ध्यान रखिएगा। कोस्ट लाइन हाईली आइडेंटेड, आइडेंटेड को हिंदी में क्या कहते हैं, आई थिंक दंतुरित। चलिए हाँ बताइए, दंतुरित याद करना ज्यादा इजी है या आइडेंटेड? दंतुरित, दंतुरित मतलब क्या होता है, ये उबड़ खाबड़, ये जो हम बात कर रहे हैं ये जो कोस्ट लाइन है इसकी बड़ी ही उबड़ खाबड़ है, यहाँ पर समतल नहीं है, इसे हम दंतुरित कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, इसी को हम साथ में क्या कह देते हैं, बिजिएस्ट, जो हम बात करते हैं बिजिएस्ट यानी कि व्यस्ततम, व्यस्ततम जो है ओशन है ये, जो मार्क है हमारा ये कहलाएगा हमारा अटलांटिक व्यस्ततम। और साथ ही हम बात करें, आपने नाम सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल, जानते हैं आप सभी बरमूडा ट्रायंगल, यहां पर है लगभग कहीं अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में यहां पर है कहीं। तो बरमूडा ट्रायंगल क्या है, ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर जो शिप्स हैं या एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो अपने आप से गायब हो जाते हैं, तो वो कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है इसका, हालांकि अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम सब जानते हैं ये कोई साइंटिफिक रीजन ही है जिसकी स्टडीज अभी कंटिन्यूसली चल रही है। तो जो बारामूडा ट्रायंगल है वो कहाँ है, अटलांटिक ओशन में ही है। दूसरा हमने पढ़ लिया क्या है, ये बिजिएस्ट है, क्योंकि भाई देखिए अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इन सबके बीच में है, तो यहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो सबसे बिजिएस्ट हम इसको कहेंगे। साथ ही हम देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, हमने इसको देख लिया कि इन सबको ये जोड़ने वाला मार्ग है। चलिए यहीं पर एक और चीज है, देखिए सार्गेशम, सार्गोशा सागर है यहाँ पर, वहीं पर सार्गेशम एल्गी मिलती है यहाँ पर, तो सार्गेशम एल्गी कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ मिलती है, तो ये अटलांटिक ओशन के अंदर ही मिलती है। चलिए बारामूडा ट्रायंगल होगा, सार्गेशम हो गया, बिजिएस्ट हो गया, ये हमारा इंडेंटेड जो दंतुरित है, ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से महासागर की जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है, दंतुरित है, तो किसकी है, अटलांटिक। चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन यानी कि हिंद महासागर की। ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, ये देखिए ये हमें नजर आ रहा है, ये लगभग हम इसको ट्रायंगुलर, देखिए सर्कुलर हम कहें, ट्रायंगुलर कहें या एस शेप कहें, ये परफेक्टली वो शेप नहीं है, लगभग जो है हम इसे कहते हैं ऑलमोस्ट जो है ट्रायंगुलर शेप में है। अब देखिए अगर हम इसको देखें, इसके नॉर्थ में हम देखें एशिया है, ये आ गया हमारा, ये हम बात करें ये हमारा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये हमारा साउथ। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ में हमारे क्या जा रहा है, एशिया जा रहा है, यहाँ हम देखें ईस्ट में क्या जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वेस्ट में हम देखें क्या जा रहा है, अफ्रीका, और साउथ में हम देखें तो ये अंटार्कटिका। तो देखिए अगर आपको लोकेशन याद करें तो ये सबसे अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप बड़े इजीली याद कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ गया एशिया, यहाँ पे क्या आ गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या आ गया अफ्रीका, और यहाँ आ गया अंटार्कटिका, यहाँ आपको नजर आ रहा है अच्छे से आप देख सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा इंडियन ओशन, हिंद महासागर भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं देखिए आर्कटिक ओशन की। आर्कटिक ओशन क्या है, लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, ये ऊपर वाटर बॉडी आपको दिखाई दे रही है, भाई आर्कटिक ओशन है तो कहाँ होगा, आर्कटिक सर्कल में होगा, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं होगी, आर्कटिक सर्कल हमारा।
बेरिंग स्ट्रेन जो है यहाँ पर ये क्या कर रही है, देखिए आर्कटिक और अटलांटिक, ये देखिए यहाँ पर, सॉरी इधर अगर हम इसको पीछे की तरफ देखें, यहाँ पर हम इसको इरेज करके थोड़ा सा स्पेस हम ले लेते हैं। तो बेरिंग स्ट्रेन की हम बात करें तो आर्कटिक सर्कल और पैसिफिक के बीच में क्या है, बेरिंग स्ट्रेन है। देखिए हमने पढ़ा था जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है ये क्या है, बेरिंग स्ट्रेन। बस आपको इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है बेरिंग स्ट्रेन क्या है, पैसिफिक और आर्कटिक को जोड़ने वाला है। अब हम देखिए अंटार्कटिका यहाँ पर कहीं मिस हो गया है, तो अंटार्कटिका की हम बात करें तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इसकी, बस सिर्फ इतना ही हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि अंटार्कटिका है किसको कवर करता है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को कवर करता है और 60 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या है इसका झुकाव है, इतनी डिग्री पर ये इसको कवर करता है। इसी को ही हम दक्षिणी महासागर पे, साउथ में है ये रहा हमारे पास तो साउथ में है तो इसी को हम क्या कह देते हैं, ये देखिए बर्फ ही बर्फ है सारी हमें नजर आ रही है यहाँ पर जो भी है ये अंटार्कटिक ओशन है, तो क्या कहलाएगा ये दक्षिणी महासागर भी हम इसे कह देते हैं। तो ये हमने हाइड्रोस्फीयर कवर किया, हमने वाटर बॉडीज को अपनी कवर कर लिया। अब जो हमारा बात करते हैं हम एटमोस्फियर यानी कि वायुमंडल की हम बात करें, वायुमंडल आप जानते हैं सभी कि हमारी जो पृथ्वी है पृथ्वी के चारों तरफ जो हमारा एयर का जो कवर है वो क्या कहलाता है, हमारा वायुमंडल कहलाता है। अलग अलग तरह की गैसेज हैं, मुख्य गैस हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर CO2 है, ऑर्गन है, अलग अलग तरह की जो गैसेज हैं, धूल के कण हैं, तो ये सब चीजें जो है हमें हमारे एटमॉस्फेयर में मिल रही हैं। तो ये क्या है हमारी लेयर ऑफ गैसेज है, एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर यानी कि हमारे जो सतह है पृथ्वी की सतह से लेकर 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है ये फैली हुई है। 5 लेयर्स हैं इसकी, जो 5 सतहें हमें मिलती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये देखिए यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फियर, आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर, वही मंडल यानी कि एक्सोस्फियर। इन सब लेयर्स के बारे में भी हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे, क्षोभ मंडल यानी कि इसी क्रम में ये होती है, इस क्रम को सीरीज को हम चेंज नहीं कर सकते, इसकी सीरीज का भी कोई रीजन है, लॉजिकली ये सब सीरीज है। देखिए क्षोभ मंडल जो सबसे नीचे वाली लेयर है, फिर उससे ऊपर जाने पर समताप मंडल आ जाता है, उससे ऊपर आने पर मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल आ जाता है, इसके बाद हम बात करें आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल की, और सबसे ऊपर जो है हमारा एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल। इन सब के बारे में हम डिटेल्स में आगे बात करेंगे, लेकिन मेन बात क्या है यहाँ पर याद करने की जो डेंसिटीज है वेरी विद हाइट, जो एयर जो मतलब ये लेयर्स की हम बात करें यहाँ पर जो डेंसिटी हम बात करें, घनत्व की हम बात करें, क्या होता है चेंज होता रहता है। यहाँ हम देखते हैं जो सी लेवल है हमारा वहां पर क्या होता है मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो क्या हो जाता है डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो डिक्रीज होगी, प्रेशर में टेम्परेचर में सब में चेंजेस आएंगे। देखिए हम जानते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि जो प्रेशर है वो क्या करता है डिफरेंस आ जाता है, जो हमारी सतह है उससे क्या हो जाता है प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा है देखिए स्पेस में जो लोग जाते हैं वो स्पेशल सूट्स पहनकर जाते हैं, स्पेस सूट होते हैं उनके, वो क्या करते हैं वहां का जो प्रेशर है उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी हम सिर्फ एटमोस्फेयर पर कंसंट्रेट करते हैं। बायोस्फीयर की हम बात करें, देखिए बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल, जहां पर जीवन पाया जाएगा वो जैव मंडल। अब जीवन किस में पाया जाएगा, पौधों में, प्राणियों में, जंतुओं में, तो बेसिकली हम किस में बांट देते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, दो बेसिक चीजों में हम बांट देते हैं। अब प्लांट्स तो अपने आप में अलग हो ही गए, एनिमल्स के अंदर चाहे वो इंसेक्ट्स हो चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ले लें, या हम एनिमल्स अलग अलग तरह के बर्ड्स ले लें, हम फिशेस ले लें, एम्फीबियंस ले लें, या ह्यूमन बींग ले लें, इन सबको हम एनिमल्स की कैटेगरी में ही हम पढ़ेंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स किस में आ जाएंगे, बायोस्फीयर में आएंगे। बायोस्फीयर की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। देखिए हम तीनों स्फीयर हमने पढ़े हैं, लैंड वाटर एंड एयर, लेकिन इन तीनों के कॉन्टैक्ट का एक जो नैरो जोन है उसे हम क्या कहते हैं बायोस्फीयर, जहां पर बायोडाइवर्सिटीज मिलती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब की जैव विविधताएं। अब जो जैव विविधताएं हैं हमें पता है अलग अलग तरह के प्लांट्स एनिमल्स हमें सब मिलते हैं, लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं रेकलेसली हम इन सब रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन इनका बहुत ज्यादा कर रहे हैं, केमिकल्स को हम यूज कर रहे हैं, तो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो क्या हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन रिसोर्सेज का, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है।
तो ये सब चीजें जो है हम बायोस्फीयर के से रिलेटेड जो चीजें हैं हम हमारे दूसरे चैप्टर्स में इकोसिस्टम के अंदर या इकोलॉजी के अंदर जो है हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ आज हमने पढ़े हमारे मेन डोमेन्स ऑफ द अर्थ। होपफुली आपको चैप्टर बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी व्यूज हो आपके वो आप हमें जरूर बताएं। लाइक्स के लिए थैंक यू और आपके कमेंट्स के लिए भी थैंक यू।